अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक मुइज़, आप लोग देख रहे हैं डब्ल्यूबी साथ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि हाउ टू मेक अ वन पेज चेकआउट इन वू कॉमर्स वेबसाइट। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऐड टू कार्ट होता है, ऐड टू कार्ट के बाद हम जाते हैं कार्ट के पेज पर, फिर हम चेकआउट के पेज पर आते हैं। तो ऐसा सीन नहीं है, हम ये एक प्लगइन यूज़ करने वाले हैं जिसका फ़ायदा ये है कि ये एक ही पेज के ऊपर पूरा लेआउट आपको बना के दे देगा। जैसे आप ऐड टू कार्ट करेंगे ये चेकआउट के पेज पर ले जाएगा, वहीं कार्ट का पेज आ रहा होगा, सब कुछ एक ही लेआउट के ऊपर सारी चीज़ आ जाएंगी। ये मेरे पास प्लगइन है वन पेज चेकआउट एंड लेआउट फॉर वू कॉमर्स, इसको मैंने इंस्टॉल्ड किया है ऑलरेडी। मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, और एक्टिवेट करने के बाद ये मुझे कह रहा है भाई थ्री कॉलम लेआउट चाहिए, टू कॉलम चाहिए या वन कॉलम चाहिए। अगर मैं इसको कहता हूँ टू कॉलम चाहिए, ठीक है, हाइट ऑर्डर नोट्स ये सारी चीज़ें मैं ऐसी छोड़ देता हूँ, स्किप्स कार्ड पेज मैनेजर यस, इसको मैं सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद जब मैं व्यू करूँगा तो नॉर्मल हमारा पेज जो है ऐसे क्यों आ रहा है। पहली बात तो सवाल ये है क्योंकि एलिमेंटर्स में शायद डिसेबल हुआ है, एक मिनट। तो ये सीन है, अब यहाँ पे हम जाएंगे ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है जी। एड टू कार्ट करने के बाद हमें व्यू कार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट इसमें कोई ऐसा रिडायरेक्शन का लगा हुआ नहीं सीन। तो व्यू कार्ट पे ही हमें डायरेक्ट चेकआउट के पेज पे ले जाएगा। अब ये देखिए हमने दो कॉलम सेलेक्ट किया था ना, तो इसने हमें ये दो कॉलम में सेट करके दे दिया, ये कार्ट का पूरा रखे, आप ना ऑर्डर रिव्यू करें, यहाँ से क्वान्टिटी बनानी है, ऑर्डर डिलीट करना है कार्ट, और ये पूरा करके दे दिया इस तरह ऑप्शन। अब हम क्या करते हैं, हमें भाई हमने कहा कॉलम चेंज करना है, हमने कहा थ्री कॉलम लेआउट बना दो। तो मैंने थ्री कॉलम लेआउट करा और इसको अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखते हैं हमारे पास किस तरह आता है। ये देखिए जी दोस्तों, ये ऐसे आ गया हमारे पास, सही है जी, ये इस तरह शो हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे थ्री कॉलम नहीं, मुझे कार्ट प्लस चेकआउट लेआउट चाहिए। तो अब ये देखते हैं क्या किस तरह का लेआउट आता है हमारे पास। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियोज मिलते रहें। और ये रिफ्रेश करते हैं दोस्तों, तो ये मैंने कार्ट प्लस चेकआउट किया था, उसने क्या चेकआउट के पेज के ऊपर ही कार्ट का सेटअप लगा दिया इसने, ठीक है जी। और ये अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे वन कॉलम लेआउट चाहिए तो ये किस तरह शो करता है देख लेते हैं। तो मैंने रिफ्रेश किया, नॉर्मल आ गया, कार्ट को उसने नीचे कर दिया, ठीक है जी। तो इसमें मजीद ऑप्शन एडवांस सेटिंग इसमें क्या है, है कि भी नहीं है कोई हमारे काम की चीज़, ऐसा कुछ कलर्स हैं और बस हाँ कलर्स हैं इसमें। रिप्लेस टैक्स यानी ऐड टू कार्ट का आपको टैक्स रिप्लेस करने हैं, चेकआउट के पेज के प्लेस ऑर्डर पे क्या है, कंप्लीट पेमेंट पे, ये सारी चीज़ें, रिव्यू ऑर्डर की जगह क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर समझिए हेडिंग है सारी, ठीक है। तो आपने इस हिसाब से चेक करिएगा, और इसमें टैक्स कोई चेंज करना हो तो चेक चेंज कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।